आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं वेरी चार्मिंग वेरी ब्यूटीफुल माय फेवरेट सुपरस्टार दीपिका पादुकोण। सो गाइस हियर इज वन मोर गुड न्यूज फॉर यू। आज दीपिका का बर्थडे है। हैप्पी केक आएगा ना? ऐसा हो सकता है? चॉकलेट केक मंगाना। गाइस चॉकलेट केक ओके। मैं एक बार दीपिका के साथ शूट कर रहे थे, देखा बाहर रणवीर सिंह घूम रहा, मुझे लगा यार रणवीर सिंह जैसा कोई है, फिर मैं सोचा नहीं यार ऐसा तो कोई हो भी नहीं सकता रणवीर सिंह जैसा। फिर बाद में देखा रणवीर सिंह ही थे। चार साल बाद हमें पता चला क्या चक्कर था। हाउ इनोसेंट आई एम। ओके आपको पता है सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं, आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं? मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में। अच्छा सर्दियां आने से पहले गर्म कपड़ों को निकाल के उनको धूप लगवाती हैं आप? ओ नहीं 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 ले लेते होंगे ना कपड़े? नहीं क्यों? मतलब हर विंटर में मैं नए कपड़े खरीदूंगी। तो अगर नए नहीं खरीदो पुराने को तो धूप लगवानी पड़ती है? ये तो मुझे पता नहीं था। पता नहीं था आपको? अरे धूप लगवानी पड़ती है, नहीं तो ना वो उसकी क्या बोलते हैं अर्चना, अगर धूप ना लगवा तो उसमें वो बांस आने लगती है, थोड़ी बदबू आने लगती है और वो उड़ली लग जाती है कहते हैं। हाँ ऐसा कुछ होता है, सम फंगस काइंड ऑफ थिंग ना। बट अगर उसे प्रॉपरली पैक करो विद द प्रॉपर वो थोड़ा सा वो क्या नेप्थलीन की गोली वगैरह। प्रोफेशनल्स को ज्यादा पता है, हमें आईडिया नहीं। यू नो आई ऑलवेज वॉक इनटू दीस। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, मैं खोलती हूं ना ये। ऑनेस्टली वो बता रही है और नहीं ये 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 तो मैंने नहीं किया है। अच्छा तो ये नहीं किया है? ओके तो लेडीज इन्होंने ये नहीं किया है। सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांगा, यार ये बड़ा धनिया मांगा कभी आपने? पर मुझे हाउसवाइफ क्यों बनाया ऐसे? वही तो उनके सवाल हैं कि सुपरस्टार होके क्या आप कभी जब घर में होती हैं तो ये सब काम करती हैं कि नहीं, तो इसलिए पूछ रहे हैं। एक्स्ट्रा नहीं, अगर मैंने धनिया लिया है तो उसके पैसे दिए मैंने। वेरी नाइस। सो बस आई डोंट हैव वर्ड। और भी अफवाहें बहुत सारी हैं। आप तो सुपरस्टार हो, आपकी तो अफवाहें हैं सारी, हमारे तो सच्ची होते जो बारी पर सी खटक गया सी खटके लिया ना फोन। अच्छा बारी पर सी खटक गया सी खटके लिया ना फोन। साडे घर आई दीपिका पादुकोण, साडे घर आई दीपिका पादुकोण, दीपिका दीपिका पादुकोण पादुकोण। रणवीर हरियोटी वैसे एक बात बताऊं दीपिका, मैं तेरे को गुड न्यूज देना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ? कम भुआ ना, तू भी भुआ बन गई है, गुड़िया हुई है। ये भुआ भुआ वाली बात है ना, दोबारा पपीता मार के तेरा कलिंगड़ तोड़ देना। तो कोई बात नहीं, वो तो सीताफल मेरे हाथ में भी होगा फिर। अपने यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक विराजमान, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी अपने पति को चेंज करने की कोशिश की है, और की है तो क्या कामयाब हुई है? सबसे पहले कौन है? जी मैडम। हेलो I'm Monica. Hi Monica, how are you? Oh good, how are you? Good. Okay. And Deepika, happy birthday. Thank you. And I'm sure this movie will be a super duper hit as well. And you look amazing. Thank you. So pretty. मैं जयपुर की सीधी सादी जैनी परिवार की लड़की हूँ। अच्छा जी। और मेरी लव मैरिज हुई है पंजाबी लड़के से। अच्छा दिल्ली से। एंड जैसे एक लड़की सोचती है कि अच्छा लड़का हो, नॉनवेज ऑफकोर्स जैनी हूँ तो नॉनवेज नहीं, ड्रिंक नहीं, और मुझे सब कुछ मिला, नॉन वेज ड्रिंक एंड। अच्छा आपके हस्बैंड ये सब खाते पीते हैं? मतलब दिल वाले? नहीं जरूरी नहीं, कई पंजाबी नहीं खाते। नहीं प्योर प्योर। ये आपके हस्बैंड है? यस। तभी तो खुश है इतने बीवी। एक और ख्वाहिश होती है लड़की की वन वुमन मैन। हाँ जी। और ये टिपिकल कैसानोवा फ्लर्टेशियस। कपिल आपने एक दिन में कितनी लड़कियां डेट की होंगी? एक दिन में? मैंने एक दिन में मैंने डेट क्या की, मैं जिनको लाइक करता था उन्होंने भी शादियां कर ली। तो मैं क्या मतलब ऐसा
हाँ जी. तो इन्होंने मेरे साथ सीरियस अफेयर में एक साथ तीन लड़कियां एक दिन में डेट किए. कितनी जी? तीन, इंक्लूडिंग मी. तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी? ये मुझे पता नहीं था ना, जब अच्छा. मैं सीरियस हुई, पता करवाने की कोशिश की कि लड़का कैसा है, शादी करनी है. हाँ. तो पता चला तो उन तीन में आप थी तभी? हाँ मैं थी. अच्छा. बाद में पता चला कि ये सारी बातें तो were you the third or were you the fourth? There were three other girls. Huh? I was the fourth one. Oh, you were the okay. You were the fourth one. Yes, yes. Ah, wow. Okay. एक साथ चार. ऐसा भी होता है? एक साथ चार. 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 एक दिन में. वाह. वो भी. आप obviously you were not working or anything at that time. I was working. Just no, I'm asking him. I'm just wondering. This was enough work, I said. This was enough work. I can understand. We gathered. तो फिर आप कब रंगे हाथों पकड़े गए या नहीं? Proudly. नहीं, मेरे को पता चला था रंगे हाथ तो नहीं पकड़ पाई. अच्छा जी. Obviously जब पता चला तो emotional drama everything and I left India और मैं सिंगापुर चली गई और वहाँ पे work करने लग गई डेढ़ दो साल. लेकिन उस डेढ़ दो साल में ensure किया कि ये मुझे daily phone करते थे, मतलब रोए भी हैं, emotional सारी चीज़ें हुई हैं. Finally I came back to India दो साल बाद एंड शादी करना चाहते थे. तो फॉर्चुनेटली मैं मान गई और पूरा चेक किया. मैं पार्टीज़ में जाती थी इनके साथ, क्लब्स में वगैरह सारा देखती थी, चेक करती थी. व्हेन आई न्यू, व्हेन आई वाज श्योर कि सीरियस हो गए, तब मैंने शादी. अच्छा, जब ये बॉयफ्रेंड के साथ जाती हैं, गर्लफ्रेंड किसी जगह पे पार्टी पे, तो और भी लड़कियाँ आई रहती हैं. हाँ. आप लोग ये देखते हो कि हमारा पति बॉयफ्रेंड कहीं और देख रहा है कि नहीं देख रहा? हाँ हाँ बिल्कुल. आप हाँ जी, आप गोलगप्पे खाते हैं? और ऐसे ही गोलगप्पा हो गया हूं मैं. खाता है, सब खाते पीते हैं. मुंह में पानी आता है ना? हाँ जी, मुंह में पानी आता है गोलगप्पे देख के. हाँ जी, आता है. वैसे ही अगर सारी लड़कियां. भाई साहब, ये तो आपका आज तो मतलब खुलासा, पूरा चरित्र हरण करके रख दिया इन्होंने आपका. एंड ही इज लाफिंग. वेरी गुड. पर आपकी जोड़ी दोनों की इतनी प्यारी है, अगर आप इनको पहले मिल गई होती तो ये डेट ही ना करते किसी और से, है ना? मैं आपको कवर कर रहा हूँ अंदर से, आप ऐसे हो नहीं. पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के. धन्यवाद. कपिल जी नमस्ते. सर नमस्ते. आपके जैसा एक आदमी कहानी फिल्म में था. है ना? ये सच बात है. जब मीटिंग करने जाता गोली मार देता लोगों को. हाँ जी बताइए क्या कहना है आपको. मैं वो नहीं हूँ. अच्छा कपिल जी, रमेश तापड़िया नाम है मेरा. बहुत बहुत स्वागत है सर. पाली राजस्थान शहर से आया हूँ मैं. अच्छा जी. मेरी शादी को लगभग 35 साल हो गए हैं. बच गए आप. बच गए सर. 35 साल हो गए. मेरी एक बहुत ही बुरी आदत थी. क्या? कि मैं तंबाकू खाता था, रगड़ के खाने वाली. अच्छा जी. मेरी पत्नी ने 34 साल उसके लिए मेहनत की है कि वो तंबाकू छुड़वा दे मेरे से. तो कब छोड़ा फिर आपने? मैंने बस अभी, समझ लो अभी छोड़ा है. कितना? एक दो मिनट से? नहीं नहीं नहीं, नहीं. काफी टाइम हो गया उस बात को. पता नहीं इनका थोड़ी देर बाद कहे, वो तो मैंने 6 साल हो गए छोड़े. हाँ. निकाल के. तो जी उन्होंने जो तंबाकू मेरा छुड़वाया, वो आप बिलीव नहीं करेंगे किस तरीके से मुझे जलील करके छुड़वाया. हम सुनना चाहते हैं सर. बिल्कुल बिल्कुल. तंबाकू बनाते तो ऐसे रगड़ के, ऐसे थपकी मार के फिर खाना पड़ता है. तो मैं बच्चों को सिखा रहे, पत्नी को पता नहीं चले तो इसके लिए मैं चुपचाप धीरे से करके, आप जो कर रहे थे वैसे ही कर लेता था. अच्छा. तो पत्नी ने क्या किया, मेरे दोस्तों के सामने तंबाकू की डब्बी लेके आती और जानबूझ के ऐसे रगड़ के और जोर से थपीड़ थपीड़ थपीड़, ताकि सारे दोस्तों को सुनाई देवे. तो उस शर्म के मारे मेरे को वो तंबाकू छोड़नी पड़ी. वाह, आइडिया उन्होंने अच्छा लगाया, पर लेट हो गया थोड़ा. हाँ, थोड़ा लेट नहीं, वो तो कोशिश तो बहुत कर रही थी सालों. चलो से. जो बुरी आदत जब छूट जाए. हाँ, तो अच्छा. मैं इस चीज के लिए मेरी पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. शुक्रिया सर. आपको पता है दीपिका, सामूहिक शादियां होती हैं जी. हाँ. उनको टोकन दिए जाते हैं. अच्छा, वो गिनी में इसी से शादी. हाँ, 18 नंबर वाला 23 नंबर वाली दुल्हन ना ले जाए कहीं. कहीं तो फिर एक्सचेंज कराने आते हैं जी, घूंघट उठाया था जी, अलग निकली जी. तो वो फिर ऐसे भी होता है. अच्छा वो गिनी मिल गई. हाँ, वरना तेरे को भी ऐसे जाना पड़ता. अच्छा, मेरे को पूछने का था, आप इतना महंगा महंगा चीज खाते है, एक कौन सा वो भोजपुरी फ्रूट रहता है? हाँ, वो ए आवा, एवोकाडो क्या बोलते हैं उसको? एवोकाडो. एवोकाडो. ये जो एवोकाडो रहता है, इसमें विटामिन सी रहता है ना? ओमेगा 3 रहता है. मैं गाड़ी खरीद लूं? गाड़ी का एवोकाडो से क्या लेना? अरे तो गाड़ी में बैठ के खरीदने जाएगी ना एवोकाडो. रोड पे चल के जाओ तो लोग आड़ू थमा देते हैं हाथ के अंदर.
अच्छा मेरे को आपको एक और चीज पूछने का था, मेरे को गाड़ी खरीदने का है। ओके, तो मैं गाड़ी एवोकाडो खरीदने, हाँ एवोकाडो लेने के लिए, तो गाड़ी लेने के लिए गाड़ी लेने का है। गुड प्लान। तो मैं पेट्रोल का गाड़ी लूँ क्या डीजल का? उनको क्या पता, उनसे क्या पूछ रही है? अरे उन्होंने विन डीजल के साथ काम किया है, पेट्रोल डीजल का इनको पता रहेगा। फालतू की बात कर रही सपना, ये मैंने अच्छी बात की, फालतू की बात सुनेगा? हाँ, आपको पता है इन्होंने वो ट्रिपल एक्स पिक्चर किया था, उसका ना बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तभी विन डीजल के साथ काम किया, वरना विन पेट्रोल के साथ काम करने वाले। ये होती है फालतू की बात, समझा? आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग क्या है, ये सुबह उठते है फारा खान के साथ नाश्ता करते है, शाहरुख खान के साथ लंच करते है। कौन? आप लोग। आप लोग मतलब? हाँ, बंसाली जी के साथ डिनर करते, बड़े लोग। मैं मेघना मैम के साथ। हाँ, मेघना मैम के साथ भी डिनर करते हैं। हम लोग बड़े लोग नहीं है, हम लोग नहीं, नहीं। हम लोग वही है, मीडियम लोग हैं। अपना तो क्या बातें कर रही है, मीडियम क्या, छोटे लोग हम लोग है, हमारे देख लो, इधर खुद का मामा एक बिस्किट डालने को तैयार नहीं है हमको। लक्ष्मी, आप और आपकी सब फ्रेंड्स, आप सब बधाई के पात्र हैं, बिकॉज आप लोगों ने इस मुद्दे पे आवाज उठाई कि आपके साथ जो हुआ वो बदला तो नहीं जा सकता, जो हो गया वो हो गया, लेकिन हाँ, ये जो आपने एक साहसिक कदम उठाया, आपने जो आवाज़ उठाई, और आपने जब आवाज़ उठाई तभी शायद मेघना के मन में भी ये विचार आया कि इसके ऊपर एक फिल्म बनाई जानी चाहिए। तो आपके इस काम के माध्यम से आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस तो आएगी, हो सकता है कि बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो बच जाएँ जो शायद हो सकते थे हमारी सोसाइटी में। बाकी सोच बदलते Actually, बदलते ये जो मूवी है जी, मैं ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो मूवी है, इस मूवी के थ्रू, क्योंकि अगर देखा जाए 2012 से पहले कोई कानून नहीं था एसिड अटैक पे, 2013 में इसमें कानून आया, 2006 में PIL डाला था, 2013 में उसका रिजल्ट आया, और उसके बाद जब कानून आया और उससे पहले काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुआ करते थे, लेकिन आज एक तरीके से जो लोग अपने दिमाग में तेजाब बना के चलते हैं, तो लोगों को वो एक इस मूवी के थ्रू सोसाइटी को एक मैसेज मिलेगा कि नहीं, वो जिसने मेरे ऊपर अटैक किया उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इस पर तेजाब डालूंगा, ये कभी भी इसके ऊपर मूवी आएगी। मैं आपको बताऊं, मुझे कभी अपने स्कूल से अवार्ड नहीं मिला, आज मेरे ऊपर मूवी बन रही है तो आई एम सो हैप्पी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी बहुत कम सर्जरीज हुई है, वरना इन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़्यादा सर्जरीज हुई है। एक एक लड़की के 80-80, 90-90 ऑपरेशन होते हैं और बहुत पेनफुल होता है, और पता नहीं होता है कि वो सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। कहीं से भी स्कीन निकाल के कहीं पे भी ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। हमें हमेशा लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वही हमारा सब कुछ है, लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं। जब भी कुछ हादसा होता है तो उस वक्त में हमें ऐसा लगता है जिससे हम प्यार करते हैं वो आएगा, वो हमें तसल्ली देगा, तभी वो पेन ख़त्म होगा। लेकिन कई मायनों में देखा जाए, जब पेरेंट्स आते हैं वो एक तरीके से पूरी दुनिया होते हैं, बहुत प्यार देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं उस वक्त में। तो उस वक्त में यही चीज़ें हुई कि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जहाँ हम एक इंसान जिससे हम प्यार करते हैं उसमें पूरी दुनिया देखते हैं, तो उस वक्त में मैंने अपने पेरेंट्स के अंदर पूरी दुनिया देखा।